यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के बाद अब केंद्रीय मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी ने भी भारतीय सेना को मोदी की सेना कहा। चुनाव आयोग ने मुख्तार अब्बास नकवी को भी नोटिस भेजा। आचार संहिता उल्लंघन मामले में राजस्थान के राज्यपाल कल्याण सिंह को झटका। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने चुनाव आयोग की रिपोर्ट गृह मंत्रालय को भेजी। चुनाव आयोग के नोटिस पर डीडी न्यूज का जवाब, कहा खबर की वैल्यू के चलते प्रधानमंत्री मोदी का कार्यक्रम दिखाया। अगस्ता वेस्टलैंड घोटाला मामले में ईडी की चार्जशीट दाखिल। चार्जशीट में बिचौलिए क्रिश्चियन मिशेल ने एपी और एफएम का जिक्र किया। आंध्र प्रदेश में टीडीपी उम्मीदवारों और समर्थकों पर आयकर विभाग का छापा। छापे से नाराज आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू धरने पर बैठे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की आज यूपी के अमरोहा और सहारनपुर में रैली। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी गाजियाबाद में रोड शो करेंगी। छत्तीसगढ़ के धमतरी में नक्सलियों के साथ मुठभेड़ में सीआरपीएफ के एक जवान की मौत, एक घायल, कई नक्सलियों के मारे जाने की खबर। दिल्ली एनसीआर में आज होगा मौसम का सबसे गर्म दिन। मौसम विभाग ने आंधी तूफान की भी आशंका जताई। और आईपीएल में सनराइजर्स हैदराबाद ने दिल्ली कैपिटल्स को 5 विकेट से हराकर लगातार तीसरी जीत दर्ज की। आज चिन्ना स्वामी स्टेडियम में रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर और कोलकाता नाइट राइडर्स के बीच मैच।